एक तारीख से जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू करने की कहा है केंद्र सरकार ने, उसको लेकर महाराष्ट्र की क्या तैयारी है? क्या आप लोग फ्री में वैक्सीनेशन करने का फैसला सरकार ने लिया है? क्या कुछ हो डिटेल्स? 1 मई से वैक्सीनेशन 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए देने का जो डिसीजन केंद्र सरकार ने हुआ है, वो डिसीजन का हमने स्वागत किया है। उस डिसीजन के अनुसार हमने जो एक्शन प्लान किया है वो ऐसा है कि हमने यहाँ पर जो हमारे देश में जो 2 वैक्सीन बनाने वाले कंपनीज है, 1 इज सीरम इंस्टीट्यूट एंड 2 इज भारत बायोटेक, दोनों को भी चिट्ठी लिखी है। आरोग्य स्वास्थ्य विभाग ने चिट्ठी लिखी है, हमारे प्रधान सचिव ने चिट्ठी लिखी है कि हमें 12 करोड़ वैक्सीन चाहिए। इसमें हमारा जो एज ग्रुप है वो एज की जो संख्या है वो 5,71,00,000 इतनी संख्या इसमें आती है, और अगर हर एक को 2 डोज दिया जाए तो 12 करोड़ लोगों को डोसेस 12 करोड़ डोसेस हमारे को चाहिए। तो उसके लिए क्या शेड्यूल आपका रहेगा और क्या प्राइस रहेगी, यह चिट्ठी हमने हमारी सरकार की तरफ से लिखी है। उसका और कोई जवाब ये दोनों कंपनी से आया नहीं है। हम आज या कल में माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों के अनुसार कैबिनेट लेंगे। इसमें हमारे डिपार्टमेंट का जो विचार है, जो प्रस्ताव है, वो हम रखेंगे। उसमें हम ये सभी रखेंगे कि 12 करोड़ हमारे को चाहिए, किस तरह से आगे जाना चाहिए, किन समाज घटकों को फ्री देना चाहिए या सभी लोगों को फ्री देना चाहिए, सभी के जो भी अलग अलग ऑप्शंस है वो हमने कैबिनेट नोट में रखेंगे और कैबिनेट इसमें अंतिम निर्णय लेंगे और माननीय मुख्यमंत्री इसकी अंतिम घोषणा करेंगे। तो मुझे लगता है आज या कल में कैबिनेट होंगी, ऐसा मुझे एक अंदेशा है। देखते हैं उसमें क्या होता है, तो तब बहुत स्पष्ट चित्र उसमें हो जाएगा। मुझे लगता है एक आधा दिन थोड़ा रुकना पड़ेगा। 1 मई ये जो हमारा महाराष्ट्र दिन भी है, उस दिन ज़रूर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री घोषणा कुछ ना कुछ तो करेंगी कि किस तरह से पॉलिसी रहेगी, क्या रहेगी। लेकिन 1 मई से हम एक्चुअली 18 से 44 उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन शुरू करेंगे क्या, तो ये सवाल का जवाब आज मैं भी नहीं दे सकता और कोई भी नहीं दे सकता, इसलिए कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का सबसे बड़ा सवाल है।